तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। आज हम देखेंगे टॉप 45 वर्णमाला के एमसीक्यूज। देखिए, इससे पहले एमसीक्यूज हम शुरू करें, मैं आप लोगों को बता दूं, आप खुद को जज कर लेना, खुद को परख लेना कि कितना तैयार हैं लॉकडाउन के खुलते ही अपनी परीक्षाओं को देने के लिए। अगर आज आप इन 45 क्वेश्चंस में से अगर आप 35 प्लस कर पा रहे हैं, 35 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा कम रहेगा, एटलीस्ट 40 तो पकड़नी चाहिए क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर की बात आ रही है। अगर आप 40 प्लस जा रहे हैं देन फाइन, अगर इससे नीचे हैं तो ये खराब स्थिति होगी क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। कितना जोहर है देख लेना, लगा देना और कमेंट बॉक्स में सिर्फ बताना कि कितने सही गए आपके। करना क्या है, अभी क्लास शुरू हो जाएगी, उससे पहले आपको बस एक रजिस्टर ले लो, उसमें 45 तक गिनती लिख लो इस तरह से, ठीक है ना, और अपना पहले आंसर लगा लो कि ए या बी, और बाद में जो सही है उसे काट देना, जो गलत है उसे काट देना, जो सही है टिक लगा लेना और बस। और आने वाले कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं उनके आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बता दिए थे, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हम समय इस पर व्यस्त नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमने पूरी अच्छी क्लास ली है, फिर भी इतना समय मैं आपको दूंगा कि आप अपना आंसर हिट कर पाएं, थोड़ा सा देख पाएं, सोच पाएं। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, शय 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 है, तय थे धे ढे, टै ठे ठे ढे और चय छ जय झ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? आइए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन। ये चारों क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? देखिए, इनके लिए एक अलग से लाइन थी कि इन व्यंजनों को क्या कहकर पुकारा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्वत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्वत और ऊष्म व्यंजन में से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर 2, अंतःस्वत व्यंजन कहा जाता है ये र ल और व को। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको हिला कर रख देगा, अगर एग्जाम आ गया तो आधे से ज्यादा बच्चे से गलत कर खाएंगे, ये मेरा दावा है। अभी सही हो जाए तो तुक्के से हो जाएगा, 100 में से 99% गारंटी है कि गलत होगा। अगर किसी ने सही कर दिया तो शायद तुक्के से हो, बहुत ही कम बालक होगा जो पढ़ के सही कर देगा इसे। और इसका आंसर है आपके पास अघोष, क्योंकि अघोष कैसे हैं जिनमें से श्वास का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? चलिए, एक शानदार क्वेश्चन था ये, कन्फर्म जरूर बताना कैसा रहा, सही है गलत। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बहुत ही आसान है, कौन सा ओष्ठ नहीं है? मैंने आपको सब बताए थे और ये भी बताया था कि कैसे याद करेंगे, एक होता कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तो क्या बताया था मैंने आपको? के टी एम, याद है ना, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और आखिरी के 2 तो हमें याद थे, ठीक है ना। इसके बाद आता दंत और फिर आया था ओष्ठ, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो चा, चा कैसी ध्वनि है आपकी? तालव्य ध्वनि है, मतलब कि ओष्ठ नहीं हो सकती, तो आंसर क्या होगा आपके पास? चे आंसर होगा। आई होप सो आपने भी यही लगाया हो। नेक्स्ट है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? बिल्कुल अभी बताया है, कौन सी है तालव्य ध्वनियां? 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चे छे जो झो, कौन सी है? पहला ही ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन क्या है? तालव्य ध्वनियां है। बहुत ही मजेदार है ये क्लास, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, आपने अपने आप को परख लेंगे। अगर आप लगता है, आपको लगता है कि हिंदी में कुछ जानते हैं, कुछ आता है, तो देखें जरा और परखें जरा। आइए शुरू करते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इनमें से कौन सी अल्प प्राण है? याद कीजिए, मैंने ये आपको सिखाए हैं ये ऐसे करके, के खे गे घे ढ़, ठीक है ना, अल्प प्राण, महाप्राण सिखाए हैं ना, 1 2, ये तीनों कैसे हैं? अल्प प्राण, और ये दोनों कैसे हैं? महाप्राण। इसी तरह से पूरी लाइन होती है, तो अब देखेंगे इसके अंदर आप, खै कैसा है? महाप्राण। धा इसमें नहीं है, चलिए तावी शुरू में आता है, तो तावी कैसा हुआ? अल्प प्राण हुआ, और इसी की बात पूछ रहे हैं क्योंकि ता से क्या होता है? लाइन शुरू होती है, ठीक है, तो ता क्या हुआ? अल्प प्राण। देखिए, इस तरह से अगर ये चार्ट याद होगा तो और ज्यादा आसानी आपको हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट है आपके पास, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है? सब कुछ पूछ लिया जी, स्पर्श भी बतानी है, घोष भी बतानी है, महाप्राण भी बतानी है, दंत्य भी बतानी है, बहुत ही सही क्वेश्चन, चारों चीजें पूछ लें।
अब आ जाते हैं, सबसे पहले आप देखना शुरू करें वन बाय वन, चारों को एक साथ ना पकड़े, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझे कि आपसे सिर्फ एक चीज पूछी गई है कि बताओ दंतीय कौन सी है, कि जो दंत से बोली जाती है। आप सिर्फ इतना देखें दंत से कौन सी बोली जाती है, पहले दंतीय है तो दंत से कौन सी बोली जाती है, ते थे दे ध ने, क्लियर है। तो देखो इन चारों में से, सॉरी पांचों में से कौन सा आ रहा है, इसके अंदर दो आ रहे हैं, एक आ रहा है जो कि ये रहा, एक आ रहा है दे जो कि ये रहा, ये दोनों तो बिल्कुल बाहर हो गए। तो दंत वाले से हमने क्लियर कर लिया, तरीका है, कई बार बच्चे चारों नाम देख कर एक साथ परेशान हो जाते हैं, यार कौन सा, एक एक करके देखो। अब दो गायब हो गए, दो बचे, क्लियर है। आइए देख लेते हैं अगला, महाप्राण। महाप्राण की क्या शर्त है, पहली वाली लाइन कैसी है अल्पप्राण, दूसरी वाली कैसी है महाप्राण, तीसरी वाली कैसी है फिर से अल्पप्राण। तो हमसे क्या पूछा गया है, महाप्राण। तो दूसरा देखा महाप्राण, तो दावी क्या हुआ, गायब हो गया, कौन सा बचा, थे बचा। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस प्रकार से इसे सही करने का तरीका है, संयम रखकर ही आराम से आप इसे सही कर सकते हैं। एग्जाम में भी बौखलाए ना, बालकों को बौखलाहट छूट जाती है, पंखे देखने लगते हैं ऊपर को कि पढ़ा तो था, हो नहीं रहा, ठीक है। आओ देखें अगला, सेम क्वेश्चन है, मैं इसमें समय दे रहा हूं आपको, आंसर लेकर के दिखाओ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण औष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है, आपके पास समय है 5 सेकंड का या 3 सेकंड का, करके देखें आंसर बताएं, बिल्कुल परखें आराम से, एक एक करके देखेंगे। हुआ, आओ देखते हैं एक बार, सबसे पहले आप चेक करो औष्ठ कौन सा है, औष्ठ कौन सा होता है, पे फे बे भय और मैं। तो देखो मैं भय आ गया किसमें, ओष्ठ में, तो या ये हो सकता है क्या, इनके अलावा और कुछ आ रहा है इसमें, ना ये है ना ये है ना ये, आंसर हो गया, बाकी को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से काम कर लेंगे। आंसर क्या हुआ, भय। अगला, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धन्य KTM, तीसरे नंबर की, पहला होता है कावर, फिर होता है चावर और फिर होता है टावर्ग, कौन सा होता है टावर्ग। तो आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिंदी की बे बे बकरी ध्वनि कौन सी है, दंत्य ध्वनि, औष्ठ ध्वनि, वत्स्य ध्वनि या तालव्य ध्वनि, भैया बे बताना है कि बे कौन सी है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बे किसमें आता है, औष्ठ में आता है बे, ठीक है, किसमें आता है औष्ठ में। देखो अगर आपको नहीं याद आता कि एकदम से कौन सा रहा, हमें ये तो पता ना औष्ठ कौन से है, औष्ठ वाली सबसे आखिरी की लाइन होती है, पूरी लाइन लिख के देख लो उसमें आ रहा, तो ठीक है देन फाइन, आसान तरीका। तो क्या है, औष्ठ है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, सही बच्चे सही आंसर लगा रहे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ, ये लगाएंगे। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, कौन सी ध्वनि दंत्य है, देखेंगे समझेंगे। KTM, तो पहली तो कंठ हो गई, ठीक है ना, दंत से कौन सी होती है, आखिरी से दूसरी, तय थे दे देने, तो तय ये रहा, बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ही आसान चल रहा है। देखो जब भी ढूंढो ना, बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो सोचने लगते हैं ये है ये है, ये मत करो ना, आपसे क्या पूछा, दंत का पूछा है ना। अब हमें दंत का लाइन याद होनी चाहिए, सीधा लाइन लिख लो, तय थे दे देने, बस। अब देखो इन पांचों में से कौन सा, ये है साहब, लगा दिया है ना। तो इस प्रकार से चलो, आसानी होगी, गलत नहीं होगा, वरना घर आके पछताते हैं, अरे यार शिट ध्यान तो था, गलत हो गया, अब क्या करूं, ठीक है ना। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है, अब याद रखो दंत्योष्ठ की बात हो रही है, दंत प्लस ओष्ठ है ना, दंत प्लस ओष्ठ, मतलब कि साफ साफ है, कोई आम शब्द ऐसे नहीं आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो ये सीधे सीधा बोला जाता है, ये भी वह वह याद है ना, ऊपर का होठ और दांतों की मदद से बोला जाता है वह, तो क्या हुआ ये दंतोष्ठ हुआ, बड़े आराम से पता कर लेंगे आप लोग। जी हाँ, ऊपर के दांत और निचला होठ इसमें सहायक होता है, तो आंसर क्या हुआ आपका, वह दंतोष्ठ पूछा था। मैं बता रहा हूं जिसने पिछली क्लास ली है उसके बाद ये वाली अच्छी क्लास ले लेगा बालक, वो वर्णमाला गलत करके नहीं आएगा, कैसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उसके सामने, ठीक है ना, पूरे मन से पढ़े। शय ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, जो शय ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब मैं आपको याद दिला दूं, शय कौन सी ध्वनि है, ये आपकी ऊष्म ध्वनि है, कौन सी ऊष्म, तो ऊष्म में सबसे पहले शय कौन से नंबर आता, तालव्य पे, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको, किसमें आएगा तालव्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है,
पार्श्विक व्यंजन, ये जब शायद मैंने क्लास लिखी उसमें नहीं था, पर अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें सीधे डायरेक्ट हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट वो मैंने नहीं ली थी इसी वजह से। तो निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है आपको ये बताना है, शय, लय, झय या फिर यह। आंसर दें कमेंट में, आंसर जरूर दिया करें। तो कौन सा है पार्श्विक, यह होता है लय। कौन सा होता है लय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। बिल्कुल अभी अभी बताया है, बड़े ही आसान हो गया। कौन सी ध्वनि है प्रयत्न के आधार पर, पार्श्विक ध्वनि है। कौन सी है प्यारे बच्चों, पार्श्विक, जस्ट अभी बताया है, तो आसान हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। अब देखो जो दंत है उसकी पूरी लाइन लिख लो, ते थे दे ने, तीनों हो गए, कौन सा नहीं हुआ, ट नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ट, बहुत ही आसान तरीके से। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से एक पश्च स्वर है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इनमें से कौन सा ए पश्च स्वर है ये आपको पढ़ाया गया है प्यारे बच्चों। याद करेंगे इसे कि जब जीभ के आधार पर मैंने बताया था अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग बताया था, ठीक है ना। तो उसमें हमने सीखा था कि जो बड़ा आ है ये क्या है, पश्च भाग है, छोटा आ क्या होता है, मध्य भाग होता है ना। आइए आगे की ओर चलते हैं, छह वर्ण किसके योग से बना है ये आपको सिखाया गया था कि किसके योग से ये बना है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है, अपना आंसर कमेंट करें जल्दी से, कमेंट करें जल्दी जल्दी। आंसर है ए, क प्लस श षटकोण, और याद रखना का के नीचे हलंत होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको बता दिया था, कितने प्रकार की होती हैं, दीर्घ भी होती हैं, प्लुत भी होती हैं, ह्रस्व भी होती हैं, तीनों ही आपको पढ़ाई गई हैं। तो उपयुक्त तीनों, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आगे की ओर चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, ओहो बहुत ही आसान क्वेश्चन रख दिया ये तो, 52 याद होगा सभी बालकों को ये तो। नेक्स्ट चलते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द समूह को, वर्णमाला के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को बताया था आपको कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। तो बहुत ही आसान है, KTM याद होना चाहिए आपको, तो कै और खै ही उसमें खरी उतरती हैं, बेहद आसान क्वेश्चन, आंसर होगा कै और खै। आशा करता हूँ आप सब अच्छे आंसर दे रहे होंगे। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ट या फिर कंठोष्ट। अब देखिए क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये किसी से मिलकर बने हैं, किन से मिलकर बने हैं उन्हें एक बार देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आंसर दे पाए। फाइंड कीजिए आंसर अपना, कमेंट कीजिए जल्दी से, आंसर कमेंट करें बताएं। ये क्या है भाई, ये है कंठोष्ठ। क्या कहा जाता है इसे, कंठोष्ठ, क्या कहा जाएगा, कंठोष्ठ कहा जाएगा। ओ और ओ किसके योग से बने हैं, कंठोष्ठ के योग से बने हैं। अगला चलते हैं, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, ये मैंने आपको नहीं समझाया था क्योंकि वन वर्ड है। देखिए यह और वै को, यह और वै को अर्धस्वर भी कहा जाता है, यह और वै को, लेकिन फिलहाल वै तो है नहीं, ये है, तो आंसर क्या होगा, यह को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। बिल्कुल अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण, याद कीजिए क खे गे घे ड़े। तो दूसरा लाइन और चौथी लाइन क्या होती है हमारे यहाँ, महाप्राण, याद कीजिए अभी अभी समझाया था। तो आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, ध्वनि, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी कौन सी है, ध्वनि है, आंसर क्या लगाएंगे, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। देखिए थोड़ा सा समझ के बताएं, अल्प प्राण कौन सा है, मैं फिर से लिख देता हूं, के खे
गे घे ढे, ये पहली लाइन, ये तीसरी लाइन और ये पांचवी लाइन, ये तीनों क्या होती हैं? अल्पप्राण। ये दोनों कैसी, ये दोनों कैसी होती हैं? महाप्राण। ये दूसरी है और चौथी है, ये फर्स्ट है, थर्ड एंड फाइव। अब देखो अल्पप्राण की बात कर रहा तो खा कैसा है? महाप्राण, हटा दो। और इसी तरह से सबको मैच करोगे, जब पूरा वर्णमाला लिखा हुआ होगा तो उसमें आप पाएंगे कि चय भी कौन सा नंबर पाता, पहले नंबर पाता, तो ये भी क्या हुआ? अल्पप्राण हुआ। फा कौन सा नंबर, अल्पप्राणी तो बताना है, तो आंसर क्या हुआ? चय हुआ। आंसर क्या हुआ? चय। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए पूछा गया है नहीं है। स्पर्श व्यंजन होते हैं वो जो 25 एक साथ लिखे जाते हैं, क ख ग घ, ये सब होते हैं, उसमें यह नहीं आता। यह किस में आता है? अंतःस्वत व्यंजन में आता है। किस में आता है? अंतःस्वत व्यंजन में आता है। तो आगे की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत ही आसान, रिपीट हो गया, क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? के पी एम, तीसरे नंबर की लाइन मूर्धन्य होती है, और तीसरे नंबर में क्या आता है? ये दोनों आते हैं। तो एक आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अब तो आसान होता जा रहा होगा, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण पहला और तीसरा होता है, तो देखो का पहले नंबर पर आता है, फिर खा आता है, फिर गा, तो ये दोनों क्या हुए? अल्पप्राण हो गए आपके। कैसे हो गए? अल्पप्राण। तो आंसर क्या हुआ? क और ग, ये क्या है? दोनों अल्पप्राण है आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन और विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? देखो जिनके नीचे बिंदी लगा हुआ होता है ना, ये नवीन और विकसित ध्वनियां मानी जाती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? ख और ग, ये दोनों क्या हैं? नवीन विकसित ध्वनियां। देखिए इनके नीचे बिंदी दिखा है ना छोटा छोटा, ये इनकी पहचान है, ये फारसी और अरबी में होती हैं वैसे। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण, है? कोई एक इनमें से घोष, अघोष याद कीजिए, पढ़ाया था आपको, ठीक है ना? बताइए जरा फटाफट कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है। फिर भी याद दिला देता हूँ एक बार, क ख ग और घ, शुरू के दोनों कैसे होते हैं? अघोष। और बाद के तीनों कैसे होते हैं आपके? ये सघोष होते हैं, और पांचों लाइनों में यही चलता है। तो हमने क्या पूछा है आपसे? घोष, ठीक है, घोष या सघोष, बात एक ही है। तो आखिरी के तीन होने चाहिए, ये तो शुरू के दो में आ गया, ये पहले नंबर पर आ गया, तो ये दोनों तो बिल्कुल गायब हो गए। अब देखिए छा कौन से नंबर पाता है और माँ कौन से नंबर पाता है, इन दोनों में आपको निर्धारण करना है, और आंसर क्या मिलेगा आपको? मैं। ये क्या है? घोष है आपका। कैसा वर्ण है ये? घोष वर्ण है। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लास ली होगी तो दिल खुश हो जाएगा इन सब क्वेश्चनों को करते हुए ही आपका। निम्नलिखित में से कौन, या निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन वो होता है जिसे बोलने में ना की आवाज आती है, या फिर नाक से बोला जाता है। यहाँ कहाँ गया? ये रहा, यहाँ कैसा है? ये नासिक के व्यंजन में से एक है। अगला करते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कौन से वर्ण है? नासिक के, मूर्धन्य, औष्ठ्य या कंठ तालव्य? तो ये हैं आपके कंठ तालव्य, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं? जी कंठ प्लस तालव्य, मतलब कि ए प्लस ई से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने? ए प्लस ई से, तो क्या कहलाएंगे? ये कंठ तालव्य। आंसर क्या होगा? डी नंबर का। आपने भी यही लगाया होगा, समझदार हैं आप सब बच्चे। तो अगला है, क ग ज फ ध्वनियां किसके, या ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की, या दक्षिणी भाषाओं की? आप समझ गए होंगे नीचे क्या लिखी हुई है, बिंदी लगी हुई है, तो क्या है ये? अरबी और फारसी है, ठीक है ना? ये आराम से आप पहचान सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इनका प्रोनंसिएशन भी थोड़ा अलग होता है, कई बार हम लोग इनका प्रोनंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते, तो मुझे एक दो नाम याद है जिनके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे ही पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती है, काफ़ी अच्छे संपर्क हैं, तो उनकी पुत्री का नाम है जिया, हमारे लिए जिया नाम है, पर रियल नाम क्या? जिया। तो यहाँ पर जो है ये अंकी बिंदी होने के कारण थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? तो ये क्या आंसर है प्यारे बच्चों? अरबी और फारसी। तो आंसर क्या है? अरबी और फारसी। वॉवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, संवर्त कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इसको उत्तर जानता है।
क्या है? स्वर। क्या कहा जाता है इसे? स्वर कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप सबका। निम्न सॉरी जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये मैंने आपको नहीं बताया था पर मैं बता दूं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्वत कहते हैं, अकारांत कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं एकारांत। एकारांत मतलब ए के साथ अंत होना। अगर मान लो कहें कि ए नहीं, कहें जिसके अंत में ई आता है तो उसे क्या कहेंगे? ईकारांत। कहें कि बड़ा ई आता है तो ईकारांत। कहें कि भैया बड़ा आ तो आकारांत। बात समझ रहे हैं ना? मतलब जिसके साथ अंत हो रहा है वो, तो जब छोटा आ की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसे? अकारांत कहेंगे। आंसर क्या होगा? अकारांत। बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए अयोगवा नहीं है आंसर, आंसर है अकारांत। ठीक है ना? आंसर है अकारांत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बिल्कुल अभी अभी आया था पीछे ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है इसमें से? कंठ प्लस ओष्ठ। जी हाँ, कंठ प्लस ओष्ठ ही इसका उच्चारण स्थान है। ठीक है ना? क्योंकि दंत मूर्धा दंत के तो आपको अच्छे से याद है, आप कर ही लेंगे। क्या आंसर है? कंठ प्लस ओष्ठ। अगला है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किसके बाद आता है? ये मैंने आपको समझाया था जब शब्दकोश के क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो किसके बाद आता है? कह के बाद आता है। किसके बाद आता है प्यारे बच्चों? कह के बाद आता है। तो आंसर क्या होगा? कह, वो भी ये साइड में। ठीक है, नेक्स्ट। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ ज्ञानी किसके संयोग से बना है? ये भी मैंने आपको सिखाया। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है बच्चों को, ये दोनों तो याद हैं, ये आंसर में नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना। जिसके नीचे हलंत है ना वो सही आंसर माना जाता है हमेशा, जिसके नीचे हलंत है वही आंसर सही है। तो जय प्लस यहाँ इन्हें मिला के क्या बना? ज्ञ ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बेहद ही गजब क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें समय दूंगा और जरा आंसर, और समय आपको कम लगा तो वीडियो पॉज कर लेना प्लीज, और इसका आंसर सोच समझ के लगाना। मैंने आपको शब्दकोश थोड़ा सा सिखाया है, उसी के माध्यम से आंसर लगाना है। बेहद ही गजब का सवाल है, कितना हुनर है दिखा देना। वीडियो पॉज कर लेना और इन चारों में से एक आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि बहुत देर तक नहीं रोक सकते वीडियो में। वीडियो पॉज कर लेना, उसका आंसर प्लीज एक बार अपने आप देख के देखना, फिर मैच करना सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कोई एक आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, दिल खुश कर देने वाला सवाल है। आइए मैं आंसर की ओर बढ़ता हूँ, अगर आंसर नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आंसर निकालें। क्लियर है? फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतान, सकल, सक्षम और सचल। क्लियर है? क्यों है ये आंसर? देखिए याद कीजिए, जिसके ऊपर अनुस्वार आता है वो पहले आता है। याद कीजिए, देखिए इसमें भी सा, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा, यहाँ भी सा। तो मैंने आपको याद करो कराया था ना कि कै और कै पे अंकी बिंदी लिखा, तो पहले कौन सा आएगा? ये वाला। तो पहले सह को देखो, केवल सह, सह, सह को। क्लियर है? तो जिसके ऊपर अंकी बिंदी पहले वो आएगा। एक का खेल खत्म, बचे आगे के तीन। अब आगे के तीन में देखो, कै है, शय है, यहाँ चय है। इन तीनों से पहले क्या आता है? कै। तो दूसरा ये आ गया। अब बचे ये दोनों, अब ये किससे मिलकर बना है? कै प्लस शय से। तो तीसरे नंबर पर ये, चौथे पर ये। क्लियर है ना? देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक जिस पर कोई मात्रा नहीं है। तो देखो इस पर बड़े आ की मात्रा, इस पर छोटी की मात्रा, इस पर बड़े आ की मात्रा, इस पर कोई मात्रा नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? कलरव। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से कोई एक क्या है? अघोष है। पर अघोष और सघोष दोनों आपको सिखाए हैं, समय आपका है, आंसर लगाएं दमदार तरीके से आंसर लगाएं। चलिए फिलहाल आंसर की तरफ हम बढ़ ही लेते हैं, और आंसर है प्यारे बच्चों से, आपका अपना से। और ये सब पता है एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है ना? तो वीडियो समाप्त करते हैं, बस इतने क्वेश्चन था आज के। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या होता है? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।